मध्य प्रदेश के खरगोन में कोरोना लॉकडाउन के बावजूद 3 गांव के ग्रामीणों ने खुद किया गांव को लॉकडाउन। गांव में किसी बाहरी व्यक्ति के आने और बाहर जाने पर लगाई पाबंदी, प्रवेश मार्ग पर लक्ष्मण रेखा खींची। सड़क पर लिखा है कि बाहरी व्यक्ति गांव का प्रवेश प्रतिबंधित है। ग्रामीण बैरिकेड्स लगाकर हाथ में लठ्ठी लेकर खुद डटे हुए हैं। गांव की सीमाओं पर कोरोना लॉकडाउन के बावजूद कुछ गांव में ग्रामीणों ने पूरी तरह से लॉकडाउन के लिए अपना बीड़ा उठाया है। नाकाबंदी कर गांव की सीमाओं को सील कर दिया है। गांव में न किसी को आने दे रहे हैं और ना ही कोई बाहर जा सकता है। लॉकडाउन से 100% पालन के लिए पूरे समय मुस्तैद रहते हैं ग्रामीण। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सभी युवाओं के सहयोग से गांव बंदी का आयोजन किया है, जिसमें बाहर का कोई भी व्यक्ति गांव में प्रवेश ना करेगा। कोरोना की महामारी के चलते सभी गांव वाले सहयोग कर रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा है और जिसमें भगवानपुरा पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग हमको मिल रहा है। और हम भी चाहते हैं कि इस महामारी के चलते कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे गाँव में प्रवेश ना करे, जिसके कारण दोनों गांव की तरफ से बैरिकेड लगाए गए हैं और बाहर से आने जाने वालों की पूछताछ कर रहे हैं। और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति दिख रहा है जिसको इस तरह से कोई बीमारी है, तो उसको हम भगवानपुरा स्वास्थ्य केंद्र भेज रहे हैं, जिसमें भगवानपुरा पुलिस प्रशासन भी हमारा पूर्ण सहयोग कर रही है। और हमारे साथ करीब 20 युवाओं की टीम है, जो कि गाँव में पुलिस के सहयोग से पूरे गाँव में घूम रही है और दोनों तरफ बैरिकेड लगा के प्रतिबंध कर दिया गया है। ये प्रधानमंत्री कोरोना वायरस कारण मतलब आदेश करा है, उसका पालन कर रहा है। अच्छा, तो आप लोगों ने यहाँ रोड पे क्या क्या किया है? यहाँ पर ये बोर्ड पे रोड पे लिखवाया, नाकाबंदी करी। अच्छा। और बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।